हार्दिक पटेल 23 मार्च सुधी सरकार जे केसो थया छे तेने परत खेंचवानी मांगणी करता प्रेस कॉन्फरन्समां कहेता जोवा मळ्या। हवे आगळ वधीए, पांच राज्योनी चूंटणी समये केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहनो पहेलो इंटरव्यू। आतंकवाद सामे कार्यवाही मुद्दे शाहना सपा बसपा अने कोंग्रेस पर चाबखा। शाहे कह्युं सपा बसपाना राजमां 11 केसमां यूएपीए पोटा पाछा खेंचाया छे। संकट मोचन विस्फोट केसमां पण यूएपीए पोटा हेठळ केस पाछा खेंचाया। वोट बैंक माटे आरोपीओ परथी यूएपीए अने पोटा हटावाया। आतंकवाद मामले सपा बसपाए तुष्टीकरण कर्युं। अमित शाहे सवाल कह्यो, शुं पीड़ितोना वोट नथी होता? भाजपना शासनमां देशभरमां विस्फोट केसमां झड़पी कार्यवाही करी। अमदावाद ब्लास्ट केसमां सौथी झड़पी तपास थई। यारा ऐसे मामले है जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो? उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? और ये फील पूरे उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस के शासन में भी ढेर सारे ऐसे मामले आए देश भर में। आज मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते आज एक केस इतने कम समय के अंदर, बम ब्लास्ट के सारे केसों का एनालिसिस कर लीजिए, बहुत कम केसों में सजा हुई है और इतनी बड़ी सजा की मात्रा जिसको पुलिस ने एज अ प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी के साथ कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद सजा दी। तो टेररिज्म के मामले में भी सपा बसपा ये जातिवादी और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का रवैया लचर रहा है। तो आ बुलेटिन में आते रहे, आटलू ज नमस्कार।